बसंत कैफे का शराब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 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 बसंत आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं बताएं? ये बात है, जहाँ गवर्नमेंट माली हालात देखे गवर्नमेंट को आमदनी है, लेकिन वहाँ लोग भी अच्छे हैं, उनके पास पैसा है। ये हम गरीब लोग हैं, अगर ठेका खुल गया तो आम शराब चलेगी, हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे और जो घर का काम है वो पीछे रह जाएगा। जिसने शराब की वो लोग लेट जा गया कहीं जाकर जंगल में। तो इनका मकसद ये है कि यहाँ ठेका नहीं, और भी जो यहाँ चीजें आती हैं जैसे वो पप्पी वगैरह हमने सुना कि वो नौजवान इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत दर्ज करूंगा। ये नौजवान बच्चों को बचाने के लिए, हमारे मैशिप को बचाने के लिए इन पर थोड़ा सा दस्त रख सकते, ताकि ये लोग उस बात से बाज आ जाए। यहाँ गुर्बत है, देख लिया आपने क्या ज्वाले में कहा, एक तो पहले कोई सुनता नहीं हमारी। आपकी बात सही है, मैं बात मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो यहाँ छुटा खो कितना फर्क, हमारी सोसाइटी में जो ये नशे की लत है ना, इसमें सिविल सोसाइटी का भी बड़ा हाथ है। इसमें सिर्फ पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं, सबों का है। इसमें आपका भी बढ़कर हिस्सा होना चाहिए, तभी ये काम होगा। तो उसमें आप भी कोऑपरेट पार ठेका मुलाजम नहीं है, ठीक है। ठेका खोलने गवर्नमेंट चली गई, सारे बच्चे त्रै साल कोरोना होई गया, उसके बाद दर दर होई गई, कोई पढ़ाई बिल्कुल मुक्की, ठीक है। उसके बाद आज देखो स्कूल स्टाफ नहीं है, या कोई तहसील स्टाफ नहीं है, या कोई एसडीएम दे पास स्टाफ नहीं है, तो सबू दिखा दे। गवर्नमेंट ठेका खोलने चली गई, गरीब लोग ने भाई कंगन, कई लोग मरी गए। गवर्नमेंट इस तरह की मशीन नहीं चली सकी, साफ से नहीं आई सके, ठेका खोलने चली। हमारा पुलिस स्टेशन पसंद कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जीरो क्राइम, इसलिए अब वो ठेका खोलेगा तो उसमें काफी क्राइम होगा, बड़ी टाइप की दिक्कतें आएंगी, तो हमें सब करते हैं। नहीं ठीक है, बुजुर्ग बीमार हो याद हो आराम टाइम जिंदा उसकी डेथ हुई, ठीक है। रोड के हालात तुम दिख ले, रोड के बड़े बड़े एमएलए आए, एमपी आए, अज और गवर्नर राज भी है, सारे डीसी मैडम भी आए, थोड़ा धोखाबाजी कुछ ने नहीं दुआ के दिख लाओ, तुम रोड के हालात दिख लाओ, तो ठेका खोलने कमाई करनी, गवर्नमेंट चले आई डिवेलपमेंट के बारे कोई सारा है नहीं, क्या जी अस पहाड़ी लोग हैं, आज कुछ नहीं गवर्नमेंट की बात। मैं समझ गया आपकी बात, वो जो इश्यूज है ना, यहाँ सोशल इश्यूज है हमारे समाज में, जो जिन चीज जैसे रोड है, बिजली आपकी, जो जरूरी आते हैं वो हम सबको, मतलब मीटिंग पर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट कमाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, रोटी के भी लाले पड़े हैं। तो अब शराब का ठेका यहाँ खोला दिया जाएगा, इसके बजाय हम चाहते हैं कि इस ठेके को बंद किया जाए, इसके बजाय लोगों को और सहूलियात दी जाए। यहाँ रोड की बड़ी खस्ता हालत है, इसको ठीक किया जाए, या स्कूल में स्टाफ नहीं है वो दिया जाए, पानी की बिल्डिंग नहीं है वो बना दी जाए, एसडीएम साहब की बिल्डिंग नहीं है वो बना दी जाए, एक गाड़ी यहाँ खनेल से बच्चों को पैदल यहाँ शिवगली में काली पट्टी के लिए आना पड़ता है, तो वो बेचारे सुबह अभी अंधेरा होता है वहां से निकलते हैं और शाम को काफी अंधेरा जाकर वो घर पहुंचते हैं। एक यहाँ पर कोई छोटी मोटी गाड़ी लगाई दी जाए, बस सर्विस लगाई जाए, मतलब इस किस्म की फैसिलिटियां दी जाए, तब अगर लोगों के पास कुछ होगा फिर ठेका भी खोले, फिर गवर्नमेंट भी यहाँ से आमदन कमाए। हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट नहीं कमाए, लेकिन जब है ही हमारे पास कुछ नहीं, क्या कमाएंगे, कहाँ जाएंगे,
ये आम लोगों को परेशानी है, हमारे ये बच्चे हमारे दर्दर हो जाएंगे, हमारी औरतें दर्दर हो। तो इस पे मैं यहाँ पे डिसाइड कुछ नहीं कर सकता, ये खुलेगा या बंद। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनाई है उन्होंने, तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि आपका जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, मैं हायर अथॉरिटी से ये पूछूंगा, बताऊंगा आपकी तरफ से मैं बात करूंगा, ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज ए पब्लिक सर्वेंट उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। बट आपकी जो बात है, आपकी रिजेंटमेंट जो है ना, आपका जो प्रोटेस्ट है,